esto es malla. दोस्तों आज कुछ दिखाएंगे आपको दोरी किस तरह से पाते हैं, मांझे में किस तरह से पाते हैं, ठीक है, गुजराती भाषा में बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसमें भी अलग अलग तार की रहती है, 9 तार 12 तार, उसी हिसाब से रेट रहता है, बढ़ता है। अच्छा, 12 तार की रहती है वो महंगी रहती है, उसमें भी रहते हैं 7 8, ऐसे अलग अलग नाम रहते हैं, उसकी प्राइस ज़्यादा ही रहती है। हाँ, लेकिन ऐसा मत समझो कि अच्छी दोरी रहती है, महंगी दोरी रहती है तो दूसरी पतंग को हम काट देंगे, लेकिन काटने की भी एक टिक रहती है। कोई भी कितना भी महंगा दो मांझा में दोरी पा ले, लेकिन काटने के तरीका रहता है, उस हिसाब से काटते हैं तो पतंग काट ही डालोगे आप। दोस्तों पतंग चढ़ाने का बचपन से ही मुझे शौक रहता है, उस हिसाब से पतंग काटने का थोड़ा बहुत अनुभव रहता है। ऐसा नहीं कि मैं सबका काट देता हूँ, मेरा भी कट जाता है जब उस हिसाब से पतंग नहीं काट पा रहा हूँ तो। और खींचने में जितना स्पीड रहता है उस हिसाब से ही पतंग सामने वाले का कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह की ट्रिक रहती है, लेकिन पता नहीं आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। कुछ नज़ारे आप देखिए इसके, आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं सूरत में किस तरह से दोरी पाते हैं मांझा। हमारी गुजराती भाषा में दोरी पाना जाना है ऐसा बोलते हैं, और हिंदी वैसे भी बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा गुजराती ही बोलता हूँ। मशीन से ही दूर अपने आप खिड़की में चला जा रहा है, और कारीगर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जिस तरफ ले जाना उस तरफ ले जा रहा है, ठीक है दोस्तों। सब कुछ मशीन के साथ ही काम करते हैं, तो जो मानते हैं वो भी मशीन के साथ ही। ये 800 रुपये का है, और ये सूखने के लिए दो अलग से ही लाल सफ़ेद हर तरह का कलर है। सुखा रहे हैं तो ये सुखाने के लिए जा रहे हैं वहीं पे, और आगे देखो, और इधर दो और मांझे में से जा रहा है और कलर पकड़ रहा है। देख रहे हो इस तरह से दो और मांझते हैं, और मांझा और मशीन द्वारा ही है। पहले तो अपना हाथ रगड़ रगड़ के थक जाते, तब जाके सब होता था, अभी मशीन के साथ सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा है। और ना उपाय खड़ा है, देखो वहीं पे रहता है हाथ से पकड़ने वाला, पहले कैसे सूखा रहते वैसे ही इस तो। ये मांझा है, अभी नया मांझा बनाया है, देखो ये कच्चा मांझा, बढ़िया काम चल रहा है इधर। दोस्तों ये है लोचा, और मेरा भाई बना रहा है लोचा, मैंने पहली बार टेस्ट करूंगा इस लोचे को, मेरा भाई बहुत बार खा चुका है, ठीक है दोस्तों। और ये सूरत में ही आइटम मिलती है, अपने गांव में नहीं मिलती, मैं गुजरात से ही हूँ, भावनगर जिले से, लेकिन वहीं पे ऐसा नहीं मिलता, सूरत में ही मिलता है। अभी ये बहुत गर्म है, गर्मा गर्म ही है, और मेरा भाई भी अभी थोड़ी देर के बाद मेरे पे गर्म होगा। वही लोचा खाया, और अब कुछ मीठा में बदलते
सब मिठाई और नाश्ता उसे, और ये सब पड़ता है रचना सर्कल। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे ही हमने आपको दिखाया मांझा और पतंग। पतंग भी इधर नहीं है, सिर्फ दोरी पाते हैं मांझा, दोरी पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कोई और जगह पे, वहीं पे। और मेरे घर घर के नजदीक ही है उस हिसाब से। सुख गया है खिड़की में वापस। देख रहे हो दोस्तों, है कुछ अलग अलग तरीके का मांझा है, कलर है अलग अलग, इसी में ही दो पाते हैं।